स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओरिजिनल एडुकेशन। जो भी स्टूडेंट्स रेलवे गुड्डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज मैं पॉलिटिक्स का पार्ट सेकंड लाई हूँ। पार्ट फर्स्ट मैंने 1 to 20 क्वेश्चंस पहले अपलोड कर दिए थे, अगर आपने मेरी वो वीडियो चेक नहीं की तो प्लीज़ वो भी चेक कीजिए। आज 21 से स्टार्ट करूँगी मैं क्वेश्चंस, आज भी 20 क्वेश्चंस हैं आपके। और मैंने अपने चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस अपलोड किए, अगर आपने मेरी वो वीडियोस चेक नहीं की तो प्लीज़ वो भी चेक कीजिए, बहुत यूज़फुल क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी अ फंडामेंटल राइट बाय। ऑप्शन नंबर ए है आपका 44th अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका 42 अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी है आपका 36th अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 43 अमेंडमेंट। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 44 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। ऑप्शन नंबर ए आपका 46 अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका 42 अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर सी है आपका 44 अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा आपका 42 अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। ऑप्शन नंबर ए आपका आर्टिकल 14, 15, ऑप्शन नंबर बी आपका आर्टिकल 15 एंड 16, ऑप्शन नंबर सी आपका आर्टिकल 14 एंड 16, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका आर्टिकल 20 एंड 21। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू स्वयं सिंह कमिटी। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन नंबर बी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन नंबर सी आपका DPSP, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 आपका, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रमुलगेट ऑडियंस इज रिलेटेड टू। ऑप्शन नंबर ए आपका आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर बी आपका आर्टिकल 213, ऑप्शन नंबर सी है आपका आर्टिकल 352, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका आर्टिकल 356। राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी आपका 2। राइट आंसर होगा आपका 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, इन द राज्यसभा हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए आपका 12, ऑप्शन नंबर बी आपका 2, ऑप्शन नंबर सी आपका 6, ऑप्शन नंबर डी आपका 1। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर। ऑप्शन नंबर ए आपका आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर बी आपका आर्टिकल 355, ऑप्शन नंबर सी आपका आर्टिकल 352, ऑप्शन नंबर डी आपका आर्टिकल 360। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट इमरजेंसी घोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, द प्रेसिडेंट रूल इज इन बाय द प्रेसिडेंट अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका आर्टिकल 352, ऑप्शन नंबर बी आपका आर्टिकल 359, ऑप्शन नंबर सी आपका आर्टिकल 356, ऑप्शन नंबर डी आपका आर्टिकल 355। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट रूल इज इन्वोक्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। जो भी स्टूडेंट्स रेलवे की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मैं यही सजेशन करूंगी, स्टूडेंट्स आपका ये जो टेस्ट होगा ना अभी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद आपका उसमें आप क्लियर हो जाओगे, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स आप अभी से फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर लो, आपके लिए बेटर रहेगा, आपकी स्पीड बनेगी, आपकी रनिंग में स्पीड बनेगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप पहले ऑनलाइन टेस्ट की तैयारी करोगे, उसके बाद आप रिजल्ट आने का वेट करोगे, उसके बाद आप क्लियर हो जाओगे, उसके बाद आपका नाम आएगा सिलेक्शन लिस्ट में, फिर आप भागने की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर आप भागने की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत लेट हो जाएगा स्टूडेंट्स अभी से आप भागोगे ना तो आपकी स्पीड बनेगी। और जितना वेट आपको अलो है ना, अगर आप मैंस हो, अगर आप बॉयज हो, तो जितना वेट आपको अलो है उतना वेट आप उठाकर भागो, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो उतना वेट, जितना वेट आप फीमेल्स को अलो है उतना वेट आप उठाकर भागो, तो आपकी स्पीड भी बनेगी और आपको वज़न उठाकर भागना है तो आपकी आपकी हैबिट भी बनेगी, आपको इतना वज़न उठाना है जितना केजी आपको अलो है। एंड वन मोर थिंग, आप मॉर्निंग में भागना तभी अच्छा रहेगा, आप सनरेज में मत भागना, आप टायर्ड हो जाओगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाएगी, अभी से भागना स्टार्ट कर दो, फिर उतने मीटर की रनिंग आप उतने टाइम में कवर भी कर लोगे। एंड हाँ, अब ये भी चेक ज़रूर करना कितने मीटर की रनिंग आप कितने टाइम में कवर कर रहे हो, आप ये भी काउंट करना अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, ओके। एंड वन मोर थिंग, आप एम्प्टी स्टमक भागना, ओके, आपकी स्पीड बहुत अच्छी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 31 था, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए आपका आर्टिकल 360, ऑप्शन नंबर बी आपका आर्टिकल 352, ऑप्शन नंबर सी आपका आर्टिकल 359, ऑप्शन नंबर डी आपका आर्टिकल 355। राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल 360, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर, ऑप्शन नंबर ए है आपका आर्टिकल 352, ऑप्शन नंबर बी आपका आर्टिकल 355, ऑप्शन नंबर सी आपका आर्टिकल 359, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका आर्टिकल 356। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए आपका आर्टिकल 52, ऑप्शन नंबर बी आपका आर्टिकल 123, ऑप्शन नंबर सी आपका आर्टिकल 61, ऑप्शन नंबर डी आपका आर्टिकल 59। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सी आर्टिकल 61। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर ए है आपका अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑप्शन नंबर सी आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, प्लानिंग कमीशन वाज एटैब्लिश्ड ऑन, ऑप्शन नंबर ए आपका 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर बी आपका 15 मार्च 1952, ऑप्शन नंबर सी आपका 15 नवंबर 1950, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 15 अक्टूबर 1952। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द NITI आयोग, एक्स ऑफिस चेयरमैन NITI आयोग के कौन है, ऑप्शन नंबर ए आपका प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका प्राइम मिनिस्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका लोकसभा स्पीकर। राइट आंसर इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन कॉन्स्टिट्यूशन और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन नंबर बी आपका प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन नंबर सी आपका इलेक्शन कमीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ द अबव। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग कमीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन नंबर ए आपका प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी आपका प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी आपका वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी आपका पार्लियामेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 240, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 180, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 340, ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्टिकल 280। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40, फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 साल, 6 साल, 5 साल या फिर 4 साल। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं फाइनेंस कमीशन। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मैं जो भी क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ उनका पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, अगर आपको कभी भी चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो एंड सेफ टू ड्राइव कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पॉलिटिक्स के 20 क्वेश्चंस। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स आपको पूरा सिलेबस कवर कराने की। आप भी प्रिपरेशन अपनी अच्छी रखना ताकि आप क्लियर हो सको इस ऑनलाइन टेस्ट में। ओके, जो जो वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको आने चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बाकी लोगों को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं एडुकेशन से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी और यूज़फुल वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कराती रहूँ। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।